कोंडागांव जिले से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर बसा आंगाकोना जो कि माकड़ी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। आंगाकोना में स्कूल भवन का निर्माण आज से 3 से 4 बरस पहले वहां के सरपंच एवं सचिव के द्वारा निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह स्कूल आज भी अधूरा है। वहां पे पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे अध्ययनरत है और उन्हें बैठने को मात्र 2 से 3 ही रूम उपलब्ध कराया गया है, जिसके चलते वहां के बच्चों में पढ़ाई करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां आप कब से हैं? सर 2010 से, जून 2010 से। तो आपके आने के पहले स्कूल अधूरा है या आपके आने के बाद? सर जब मैं आया यहाँ तो उस टाइम न्यू उठा हुआ था, बनना स्टार्ट हुआ था। तो अभी आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? सर यहाँ पे मिडिल में 32 बच्चे हैं जी, और प्राथमिक में 55। तो इतने सारे बच्चे अभी कितने क्लास में अध्ययनरत है? सर 3 2 2 कक्षा है सर, एक बरामदा है, 2 कक्षा में तीनों पहली से लेकर 8वीं तक पूरा कक्षाएं संचालित हो रही है सर। तो पढ़ाई में या बैठने में डिस्टर्ब नहीं होता? होता है सर, बहुत परेशानी होता है पढ़ाने में। तो आपने अपने अधिकारी से संपर्क किया इस बारे में? इस बारे में सबको पता है सर, आके देखते हैं, उन लोग संपर्क करते हैं, यहाँ तक के गाँव वाले भी बार बार बैठक लेके इस बारे में चर्चा करते हैं, इस बात को पंचायत में भी रखते हैं। इस वीडियो को देखने वालों से मैं अपील करना चाहूँगा कि कोंडागांव कलेक्टर से फोन पर संपर्क कर इस भवन को अतिशीघ्र ही पूर्ण कराएं, ताकि वहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत का सामना करना ना पड़े। कोंडागांव कलेक्टर का लैंडलाइन नंबर है 07786 24 20 01। मैं खीरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।